लोग आपसे अक्सर पूछते हैं कि आप कौन है, नाना वर्जीस कौन है? मेरा असल में थोड़ा मिक्स्ड ताल्लुक है, मैं मामा की तरफ से खान पठान और पापा की तरफ से आफरीदी पठान, तो बेसिकली हमारा मदर टंग मोस्टली उर्दू है। एक साथ डॉक्टर और राइटर बैलेंस हुआ। मैं कह दूं कि रेत के दानों की तरह बिखरा हुआ इंसान खुद को राइटिंग के जरिए समेटने की कोशिश कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। जिंदगी के तजुर्बों को जमा करने के बाद उनको आवाज देना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर वही तजुर्बे किसी खास इंसान के साथ शेयर किए जाएं, तो हमारे लिए नेमत बन जाती है। मैंने भी सोचा मैं अपनी जिंदगी के तजुर्बों को किसी एक खास इंसान के साथ शेयर करूंगा, इसलिए ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ। आज मेरे पॉडकास्ट में मेरे साथ मेरी एक खास दोस्त है, वो पेशे से एक डॉक्टर है, अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो एक राइटर है। उनके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे पहलुओं पे बात होगी। पहले उनका खैर मकदम करते हैं। नाम है डॉक्टर हिनाना बर्जीस। ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, इनका नाम ही एक तारुफ है। इन्होंने अंग्रेजी उर्दू अदब में बहुत अच्छा नाम कमाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आता, जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करूँ या लिटरेचर के हवाले से बात करूँ? आप कहीं से भी शुरू करें, वो दायरा बन ही जाएगा ना वापसी का वहीं तक। आपका नाम मुझे अजीब लग रहा है, हिनाना मैंने आज तक नहीं सुना। अच्छा। इस नाम के हवाले से अगर थोड़ी बात हो जाए। लोग आपसे अक्सर पूछते हैं कि आप कौन है, हिनाना वर्जीस कौन है? मैं ये नहीं कहूँगा, मैं नाम ही से शुरू करता हूँ। मेरे नानू जो थे वो गल्फ एयरलाइंस में पायलट थे असल में, तो ड्यूरिंग वन ऑफ हिज टेन्योर्स वो मदीना मुनव्वरा गए थे, तो वहाँ पर रियाजुल जन्ना में एक सुतून है, सुतून हिनाना के नाम से। इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। तो असल में वो सुतून उस तने का हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साथ टेक लगा के पहले खुतबा दिया करते थे, फिर वो शामिल हो गया रियाजुल जन्ना में, तो हिनाना वही मतलब है हिनाना का। बहुत खूबसूरत नाम। आप पेशे से एक डॉक्टर हैं जी, आप राइटर भी हैं जी। एक साथ डॉक्टर और राइटर बैलेंस हुआ? बैलेंस की बात नहीं है, पैशन की बात है। मैंने दोनों में कभी डिफरेंशिएट नहीं किया। मेरे लिए जितना पैशनेट बीइंग अ डॉक्टर है उतना ही पैशनेट राइटर। आप राइटर ज्यादा अच्छी हैं या डॉक्टर ज्यादा? राइटर और डॉक्टर खुद को खुद नहीं डिस्क्राइब कर सकते कि वो कितने अच्छे हैं, वो तो पेशेंट बता सकते हैं और वो पढ़ने वाले बता सकते हैं। आपने शायरी भी लिखी है, आपने अफसाने भी लिखे हैं जी, आपने नॉवेल्स भी लिखी हैं, आपने अंग्रेजी अदब में बहुत कुछ लिखा है, आपने उर्दू में शायरी भी की है जी। आप अगर खुद को राइटर के मकाम पे देखें तो कहाँ पाती हैं आप? फिर मैं वही कहूँगी कि राइटर राइटिंग एक जर्नी है, इसमें आप मंजिल नहीं ढूंढ सकते कभी भी। मतलब राइटिंग इज समथिंग दैट यू डू अंटिल योर लास्ट मोमेंट। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं कहाँ किस लेवल पर देखती हूँ, मैं बस लिखती ही जाऊंगी। और तो मुझे तो मिल गया है बहाना आपसे बात करने का। ढूंढ लिया आपने? मैंने ढूंढ ली रस्सी। अच्छा ये बताएं मुझे, आप किस तरह समझती हैं कि कौन सी चीज है ऐसी जो आपको इंस्पायर करती है राइटिंग के हवाले से? क्योंकि कहा जाता है जब खून में ही, क्या है वो जो तुम्हें राइटिंग करवाते? ये बात मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन जैसे हर किसी का एक फ्रेंच वर्ड है रेजन डे एट्री होता है, कोई इंसान किस चीज के लिए दुनिया में आया है, तो मुझे लगता है मैं लिखने के लिए आई हूँ। और जितनी जल्दी आपको ये पता चल जाए ना आप दुनिया में किस लिए आए हैं, तो वो जो आयत है लकद खलकनल इंसान फिल अहसन तक़वीम, वो आपकी समझ में आ जाती है कि अगर आपको बेहतरीन शक्ल में पैदा किया तो किस चीज के लिए बनाया गया है आपको। और वो हर किसी को पता होना चाहिए, एटलीस्ट इतनी तो खोज खुद में कर ही लेनी चाहिए कि ये पता चले कि अगर मैं दुनिया में आया हूँ तो किस मकसद के लिए। बेमकसद तो नहीं हो सकता, जब कोई कीड़ा बेमकसद नहीं आया है, शहद की मक्खी बेमकसद नहीं है, तो आप कैसे बेमकसद हो सकते? अशरफुल मखलूकात का शर्फ हासिल है इंसान को। अगर इंसान की बात करें, आपने कहा लकद खलकना इंसान फी अहसन तक़वीम, अगर अहसन तक़वीम की बात करें तो एहसास, अक्ल, इल्म, इसी तरह बयान, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान को अता की गई है, बाकी किसी मखलूक को अता नहीं की गई। आप
क्या मानती हैं, आप क्या समझती हैं? कंप्लीटली नहीं, हाँ आप क्या समझती हैं? ये राइटिंग जो है चूंकि एक डिवाइनल चीज, मैं एक डिवाइन चीज मानता हूँ, कहते ना गालिब कहते आते हैं गैब से मजामी ख्याल गालिब शरीर खामा नवाई सरोश, क्या कहती हैं आप, कौन सी चीज डोमिनेंट रहती है एज अ राइटर? डिफरेंट है ना हर राइटर, वो कौन से जॉनर में लिखता है वो उस पर डिपेंड करता है। मेरे लिए हसासियत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आप हसास मैं जिस चीज के साथ रिलेट कर पाऊँ मैं उसके बारे में लिखूंगी। अभी जब मैं आ रही थी बाहर एक नल खुला था, मैंने आपको बताया अभी, मैंने कोशिश भी की दो बार रुक के उसको बंद करने की, हुआ नहीं। वो पानी का लॉस मुझे अभी तक वो इतना बुरा लग रहा है कि इतने लोग वहां से गुजर रहे, कोई तो यार उसको ठीक करो, वो नीचे है एक टैप। मेरे मन में तो हसासियत बहुत जरूरी है मेरे ख्याल में, एहसास होना अपनी सराउंडिंग। मेरे मन में अब हजारों सवाल उठ रहे हैं आपकी एक एक लफ्ज से, हजारों सवाल उठ रहे हैं। क्या बता सकते हैं, हसास है आप मिजाज से? हर शायर हर राइटर हसास होता है? मैं नहीं कह सकती ना, तौसीफ हर राइटर किस एंगल से लिखता है, वो कितना हसास होता है, बट लाइक बींग अवेयर ऑफ वट्स हैपनिंग अराउंड यू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ राइटर। इफ यू नॉट गुड एट ऑब्जर्विंग स्टफ यू कैन नेवर बी अ गुड राइटर, पॉसिबल ही नहीं। अच्छा, ऑब्जर्वेंस ज्यादा, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी, ऑब्जर्वेशन ज्यादा। और उसके साथ एक आम आदमी जैसे उस चीज को ऑब्जर्व करता है, आप उससे डिफरेंट तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तभी आप राइटर है। लाइक यू हैव टू ब्रिंग आउट द अनसेड, जो मेरा खुद का ख्याल है, बट आई राइट अबाउट द ब्लैंक स्पेसिस बिटवीन रिलेशनशिप्स, अबाउट पीपल, जो लोग बोल नहीं सकते, बोलना चाहते हैं बट दे डोंट हैव दैट वॉइस। आपने कहा आई राइट अबाउट द ब्लैंक स्पेसिस, ये ब्लैंक स्पेसिस क्या है आपकी नजर में, आप क्या कहती हैं ब्लैंक स्पेसिस? जो मैं ये बताऊं कि ब्लैंक स्पेसिस क्या है तो फिर मेरी बुक्स पढ़ने की क्या जरूरत है, वही तो लिखती हूं मैं, दैट्स व्हाट आई राइट। मैंने सुना था हसास राइटर जो होता है या तो इसका ताल्लुक बिल्ला होता है या फिर ताल्लुक किसी इंसान के साथ। मैंने से पढ़ा था कहीं तो किसी ने लिखा था, जब रूमी ने मसनवी लिखी थी तो लोगों ने कहा आपने क्यों लिखी, तो बहुत सारे राइटर्स ने लिखा कि आप अल्लाह से ताल्लुक रखते थे, अल्लाह से बातें करते थे फिर लिखते थे। आपका क्या मामला है, आप भी वैसा ही कुछ? अगर आप नॉवल क्राफ्ट करें, आपका जो करेक्टर होता है, आपके जो प्लॉट्स होते हैं, आप जो चीजें क्रिएट करती हैं, आपको लगता है कि यही है आते हैं गैब से मजामिन ख्याल, या फिर आप नॉवल के एतबार से बात कर रहा हूँ? हर चीज के एतबार से बोलूंगी कि इश्क लिखवा देता। अच्छा, इश्क जरूरी, इश्क बहुत जरूरी है, पूरी कायनात की तख्लीक इश्क से हुई है। फिर मैं ये मान लूं कि रूमी की बात लव इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम? यस, लव इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन एंड लव इज द पेन। कितना लिखा है आपने आज तक? कोई शुमार ही नहीं, लेकिन पब्लिश तो सब नहीं किया। और जब से होश संभाला। आप ज्यादा प्रोज लिखती हैं या पोएट्री? प्रोज के लिए थोड़ा मुझे डिसाइड करना पड़ता है, कोई इंसिडेंट दिल को छू जाए तो मैं लिख लेती हूँ, उसको मैं कोशिश करती हूँ बताने की। बट पोएट्री बेसाख्ता हो जाती है, मतलब कहीं भी कुछ काम करते हुए, कहीं गुजरते हुए किसी जगह से, तो बस ही। आपने सोचा था मैं इतना लिखूंगी कभी? मैंने सोच के कभी लिखा ही नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी पहली की आखिरी किताब कौन सी होगी। मैं ये कह दूं कि हिनाना बजीज का जो ये राइटिंग का सफर है ये ऑर्गेनाइज्ड है ही नहीं? नहीं, राइटिंग का सफर अगर एक हसास राइटर है कभी ऑर्गेनाइज्ड हो ही नहीं सकता। फिर इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राफ्टिज्म कैसे होता है? मुझे नहीं, आपकी बात ही कर रहा हूँ आपके हवाले से। आपने किसी प्लॉट को पहले चुना, फिर आपने किसी किरदार को चुना। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं कोई स्टोरी प्लॉट करती हूँ, पहले तो जहन में कोई आइडिया आ जाना चाहिए जो आपको टच करे। नॉवेल के बारे में बताऊंगी, तो वंस यू कम अक्रॉस एन आइडिया दैट यू पुट डाउन इन राइटिंग दैट यू वांट टू, तो प्लॉट करती हूँ। सब राइटर नहीं होते? नहीं, मैं हसास राइटर की बात, आपकी बात। आपका बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होता है, सीक्वेंस्ड होता है, करेक्टर भी प्लॉट भी, फिर पढ़ने वाला बोलता है सच में इसने लिखा है ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। असल में क्या होता है, जब आप मैं नॉवेल प्लॉट करती हूँ, कोई स्टोरी प्लॉट करती हूँ, ठीक है,
स्टोरी प्लॉट करने के बाद क्या हो जाता है, अब मैंने अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनका कैरेक्टर बिल्ड किया. जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़की है जो स्टार्ट में उसका बचपन दिखा रहा है, प्लॉट के साथ ही चल रही हूँ मैं. फॉर एग्जांपल वो लड़की बचपन में बहुत ये है, थोड़ी तेज है, उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है. अब जब वो लड़की बड़ी हो जाएगी और उसको कोई लाइफ ये करना होगा डिसीजन, तो उसमें उसका वो एंगर दिखना चाहिए. ठीक है ना, तो कैरेक्टर्स अपने आप को एक फॉर्म दे देते हैं, उसके बाद वो स्टोरी मेरे हाथ में नहीं रहती, वो कहानी में वही करेंगे जो उनका बेसिक कैरेक्टर होगा. अच्छा, कैरेक्टर्स खुद करेंगे, वो फिर खुद डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है, तो वहां पर प्लॉट थोड़ा टर्न हो जाता है, इसलिए वो फिर. अच्छा, ये तो राइटिंग के हवाले से बात हुई, जिंदगी के पहलुओं के हवाले से अगर बात करें, हिनाना बर्जीस, अगर आपने कहा मैं ऑर्गेनाइजर नहीं हूँ, मतलब कोई भी हसास राइटर ऑर्गेनाइजर नहीं होता, मैं ये कह दूं कि रेत के दानों की तरह बिखरा हुआ इंसान खुद को राइटिंग के जरिए समेटने की कोशिश कर रहा है. खुद को ही क्या, पूरी कायनात को समेटने, जो शख्स अपने आप को सिक्वेंस करने की कोशिश करता है, इसका मतलब इसमें एक कायनात है ना. कायनात तो है, कायनात तो हर चीज में है, ढूंढने की बात है. क्या घास के, आप क्या ढूंढती, आप क्या ढूंढती है? ये तो है ना, ये वो क्या कहूँ मैं, अजल से अब तक का सफर है, इसमें मैं क्या ढूंढ रही हूँ मुझे खुद भी पता नहीं. मैं तो, आप खुद कह रहे हैं अनऑर्गेनाइज्ड, तो मैं क्या बोल सकती. आप उस सफर में हैं, हर कोई है. आप भी है, आपकी बात करो, हर कोई की बात तो की ही नहीं मैंने. जब हर कोई है तो मैं क्या मुख्तलिफ हूँ उनसे, तो हम सब एक सफर पे कहाँ तो पाती है आप खुद को, कहीं हर मुसाफिर किसी ना किसी पड़ाव पर तो होता है ना. बस पड़ाव ही तो ढूंढ रही हूँ, मुझे अभी तक कोई पड़ाव मिला नहीं जहाँ मैं रुक के ये सोचूं कि करे जहाँ दराज है. बस वही एक चीज समझ में आती है कि जब तक आप रब से वापस ना मिले ना, तब तक आपका सफर खत्म नहीं होता और आपको अपने पड़ाव समझ भी नहीं आता. सफर में पड़ाव होते ही नहीं है शायद, ये जो बिखरापन है सफर में. पहले मुझे बताइए, पड़ाव होते हैं क्या इस सफर में? होते हैं पड़ाव. कैसे, मतलब किस तरह के पड़ाव? मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं. ऐसा कोई भी नहीं है कि मुझे ये लगे कि अब मैंने ये, दिस वाज माय लाइक माइलस्टोन, अब मैं यहाँ पहुंच गई. हाँ, बस एक एक चीज मुझे लगती है कि एक ऐसी किताब जो मैंने लिखी है, बुक्स भी शायरी भी, लेकिन मुझे लगता है कि कोई एक ऐसी किताब वो मैं अभी लिख नहीं पाई जो मैं लिखने के लिए दुनिया में आई हूँ, शायद वो मेरा एक पड़ाव. आप कैसे मैनेज कर पाती हैं खुशी गम? नहीं होता, दुनिया के बहुत एहसास है, नहीं होता मैनेज. किससे हुआ? क्या फिर अपना गुस्सा निकालते हैं अपने कलम के जरिए? सारे इमोशंस ही ना, हसास हो ना, अपने ही नहीं लोगों के लिए भी जो तकलीफ, वही ना, जो अपने इमोशंस का तर्जुमान हो वो दुनिया के एहसास का तर्जुमान होता. हाँ. आप अपने एहसास की बात दुनिया को कहती है या फिर दुनिया की एहसास की बात अपने आप को कहती है? दोनों. दोनों? दोनों. कैसे? कुछ चीजें इंसान खुद के लिए लिखता है, कुछ औरों के लिए लिखता है, लेकिन फाइनली जब जो चीज भी आप लिखते हैं ना, बता दो सिर्फ, मुझे लगता है दर्द सबका मुश्तरक है, तकलीफें हम सबकी एक ही जैसी है. अच्छा. कोई कम फील करता है, वो हमारा एक पेन स्केल होता है इसमें, एनेस्थीसिया में, उसमें रेट करना होता है आप कितना पेन फील करते हैं फ्रॉम 0 to 10. 0 इज द मिनिमम पेन दैट यू फील और 10 इज द मैक्सिमम पेन दैट यू हैव नोन. अच्छा. तो हर इंसान अपने दर्द को उसी तरह रेट करता रहता करता है, मतलब किसी के लिए जो 5 हो इस स्केल पर, दूसरे के लिए वो 0 हो. जिसको इंसान 10 समझ रहा हो, अपना अपने दर्द की इंतहा समझ रहा हो, किसी के लिए बहुत कम हो, उसके लिए 2 ही हो. आप शायर भी हैं? शायर ही हूँ. आप शायर ही हैं? फितरतन शायरा ही हूँ. अच्छा, आप शायरी करती हैं? मेरी तो किताबें भी शायद वो, उनमें वो पोएटिक टच होता है. मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी शायरी की कोई किताब, शायरी मजमू, शायरी मजमू जी जी साहित्य अकेडमी से हुआ था बहुत पहले, खुशबू की वादी से. हमें सुनाएंगी शायरी कुछ? हाँ सुनाऊंगी, अभी एक सुनाती हूँ पढ़ के. पहले गजल एक है जी. गुल के पुर्जे करता गुलशन, उसको भी तो दिखता होगा. हाय. गुल के पुर्जे करता गुलशन, उसको भी तो दिखता होगा. मेरे अंदर का सूनापन, उसको भी तो दिखता. हाय हाय. मैंने एक दीवार बनाई है अपने ही दिल के अंदर. मैंने एक दीवार बनाई है अपने ही दिल के अंदर, और उसके घेरे में बचपन, उसको भी तो दिखता होगा. वाह. महलों में वो बसने वाला पलके जब झपकाता होगा,
महलों में वो बसने वाला पलके जब झपकाता होगा खिड़की से एक टूटा आंगन उसको भी तो दिखता होगा है। क्या बात है। खुद से हार गई हूँ मुझसे जीत नहीं पाया है कोई। खुद से हार गई हूँ मुझसे जीत नहीं पाया है कोई। हूँ खुद अपनी जान की दुश्मन। खुद अपनी जान की दुश्मन। क्या बादल दिल की छत पे फैले उसको नजर ना आते होंगे। बादल दिल की छत पर फैले उसको नजर ना आते होंगे लेकिन आंख से बहता सावन उसको भी तो दिखता होगा। अब इस बार हिना सोचा है अपनी झोली आप ही भर लूं। अब इस बार हिना सोचा है अपनी झोली आप ही भर लूं। वरना मेरा खाली दामन उसको भी तो दिखता होगा। आपकी शायरी में तरन्नुम रियाज़ की महक। मेरी खाला है, अल्लाह माफ़ करे। आपकी खाला जी, पहली बार सुनने को मिला है। किसने किया है आपको मोटिवेट टू बी अ राइटर? है कोई बचपन से खास पकड़ने वाला? बचपन से हाँ, मेरी खाला थी, अल्लाह मग़फ़िरत करे, कौसर वाजी बोला करते थे हम उनको, तो वो लाइब्रेरियन थी। अच्छा। तो तब लाइब्रेरियन होना, तब क्योंकि किताबों का बहुत ये था ना, पढ़ाई का बहुत रुझान था। हाँ, सोशल मीडिया जब नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, तो लाइब्रेरियन यूज्ड टू बी अ वेरी लिटरेट पर्सन, वाज रिगार्डेड कि उनको बुक्स का बहुत इल्म होता था, लोग फाहम होता था किताबों का बिल्कुल। तो शी यूज्ड टू गेट दीस बुक्स फॉर मी, वो फेरी टेल्स हो गई, उर्दू की एक आती थी, था एक मजमूआ टॉफी करके आता था उसका नाम था, वो बच्चों के लिए होता था, तो वो बुक्स लेके आती थी। तब मुझे पहली बार जो उन्होंने मुतारिफ कराया। मैं कह दूं कि अच्छा कैशिर पढ़ो ना, ओप सोप करते नहीं। हाँ, स्टार्ट फिर सफर रुका नहीं, फिर रुका नहीं, फिर अल्फाज से प्यार हो गया। अल्फाज से प्यार। हाँ। अच्छा, आपने बिखरे बिखरी जिंदगी को जबान देकर अल्फाज में भर दिया और उसे समेटने की कोशिश की, मैं ये समझूं? कह सकते हैं, लेकिन मुझे तो लग नहीं रहा कि मैंने कुछ समेटा अभी। मैं तो दुनिया किसी दूसरी दुनिया में पहुंच रहा हूँ। मैं समझता हूँ एक बिखरा इंसान राइटर बन के इंस्पायरेशन बन सकता है। वो तो लोग डिसाइड करेंगे ना, बिखरे हुए लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि वो समेटे जा चुके हैं। अगर हिम्मत करे इंसान तो क्या कुछ नहीं इंसान के पास। पर मुझे लगता है तो सिर्फ रब को बिखरे लोग ही पसंद है। अच्छा, बिखरे लोग, क्योंकि समेटने वाला वो है ना, उसको मौका देते हैं और फिर समेटने का। अच्छा। हाँ, मतलब इस चीज का गुरूर हट जाता है कि आप, मतलब जुड़ा होना बहुत बड़ा गुरूर है, और आपको गुरूर पसंद नहीं है कि मैं खुद में कुछ हूँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ, फिर शैतान को किस लिए हुक्म। ये तो बड़ी बात है ना, ये तो इंस्पिरेशन की सबसे बड़ी बात है। वैसे मलंग भी ये करते हैं, मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, वो कहती थी मुझे जो भी पसंद है, मेरे मुर्शिद ने कहा ये मत करो, मुझे जो भी पसंद था मैंने नहीं किया, फिर मैं बिखर गई, बिखरने के बाद शायद ये मकाम मिला। क्या आपके साथ ऐसा है? डिटैचमेंट बोलती हूँ मैं इसको, किसी भी चीज से अटैच मत हो जाओ, क्योंकि दुनिया रहने वाली नहीं है। दारुल फना कहते ही है, कहते हैं लेकिन बिलीव नहीं करते लोग इस चीज। अच्छा। मुझे याद है एक बार मैंने कहीं पर यही जिक्र किया, तो वहां पर एक शख्स बैठे थे, कहने लगे आपकी बातें सुनने के लिए तो ये फलसफे वाली बातें हैं, कहीं दरिया का किनारा होना चाहिए, फिर आपकी फिलॉसफी सुननी चाहिए। मैंने कहा आप दो मिनट के लिए सोचें, जिस चीज को आप फिलॉसफी बोल रहे हैं ना, हकीकत वही है इंसान की। अच्छा। मतलब हम लोग इन चीजों को फिलॉसफी समझते हैं ना, कि अब ये लोग बैठे ये कह रहे हैं कि दुनिया फना हो जाएगी, तो क्या ये मुमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। असलियत तो यही है ना कि हमें नहीं रहना दुनिया में, असलियत तो यही है ना कि आप कुछ करके जाएं जो पीछे। तो राइटिंग करने का क्या मतलब, ये भी तो नहीं रहेगी। कोई मैसेज पहुंचाना लोगों को, एक सदका जारिया। मैं कोई भी चीज में मकसद नहीं लिखती हूँ, इसलिए कि मतलब मुझे अच्छी लगे कोई चीज, वो बेमतलब होने, कोई ना कोई मैसेज होना चाहिए उस बात में, किसी ना किसी को फर्क पड़ना चाहिए। तकरीबन शायरी में भी वैसे ही, अब शायरी बेसख्ता हो जाती है तो मैं कहने। आप कहते हैं कि राइटर तन्हाई में रहते हैं अक्सर, आप अपनी तन्हाई या अपने शोर में रहती? मैं शोर में तन्हाई ढूंढ लेती हूँ। मैं समझा नहीं। फिर आपने सवाल क्यों किया इतना उलझा हुआ? मैंने उलझा हुआ सवाल इसलिए किया ताकि आपके अंदर से उलझे हुए जवाब को ढूंढ पाऊं।
असल में ऐसा है ना, अगर मैं हूँ भी ना शोर में, तो मेरे अंदर का शोर इतना ज्यादा है कि वो उसको ओवरलैप कर देता है। अच्छा, मुझे वो शोर नहीं सुनाई देता जो बाहर है। मतलब आप अंदर के दर्द को चादर अंदर के शोर को मोहब्बत की चादर डाल देती है, साइलेंस की चादर डाल देती है। कहाँ डाली जाती है तो सिर्फ उस शोर पे चादर, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, फिर लिखती ही क्यों? अगर इतना मुझे इतना तरीका आ गया होता मुझे जिंदगी में कि मैं इस शोर को कंट्रोल कर पाऊँ, तो फिर लिखती नहीं ना। मुझे तो नहीं लगता मैं आखिर वक्त तक कंट्रोल कर पाऊंगी। आप तो पेन मैनेजमेंट फेलोशिप कर चुकी हैं जी, आपने जिस्म की पेन पढ़ी है, रूह की पेन के हवाले से राइटिंग आपका, मैं मान लूं कि आपकी गिजा है या आपकी दवा है? दवा कहाँ है, ये तो उल्टा दर्द ही देती है। दर्द देती है? आपको मजा आप किसी की तकलीफ के बारे में लिखते हैं ना, खुद तो खुद कैसे खुश हो सकते हैं? बिल्कुल हो ही नहीं सकते। जब मैंने थर्ड डॉटर लिखी थी, आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ पेन बिकॉज़ इट वाज अबाउट अ गर्ल जिसकी एग्जिस्टेंस एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं उसके माँ बाप। तो ज्यादातर जब मैं किसी के दुख के बारे में लिखूंगी तो हाउ कैन आई बी एट ईज, देयर हैव बीन चैप्टर्स जब मैंने रोया है वो चैप्टर्स। कैन आई से यू एंजॉय द पेन? I don't know, but I've accepted it as a part of my life now. Accepted as a part yes, of मुझे ये लगता है कि दर्द सबके पास है। It is a vital part of everybody. Yes, everybody's life. तो अच्छा ये है कि आप मान जाए इस बात को कि हाँ मेरी जिंदगी में ये कमी है तो है। It is what it फिर is. फिर से गाली याद आ गई। गमे इश्क घर ना होता, गमे रोजगार होता, ये गम हाँ, छोड़ता नहीं छोड़ेगा किसी को भी नहीं। जस्ट लर्न टू एक्सेप्ट इट, आपकी जिंदगी थोड़ा आसान हो जाएगी। क्योंकि ये तो क्वेश्चन पेपर है ना, जिंदगी क्वेश्चन पेपर है। बिल्कुल। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको आसान मिलेगा और दूसरे को मुश्किल मिलेगा? अगर कोई राइटर बनना चाहे, क्या बन सकता है? तो कोई चाहे मैं बनूंगा। लेकिन मैं बनी नहीं हूँ, मतलब मैं बेसाख्ता आ गई मेरे अंदर वो चीज। लेकिन हाँ, पहले फिर आपको बुक्स बहुत ज्यादा पढ़नी है। अच्छा, जैसे बाकी प्रोफेशंस में चले जाते हैं ना, मतलब कोई प्रोफेशन चूज कर ले उसके लिए आप काम करते हैं तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आ ही जाता है वो काम। एक अजीब सवाल, एक अजीब सवाल पूछना चाहता हूँ। कुछ अभी तक आपने आसान, आप अंग्रेजी लिखती है जी, सोचती कश्मीरी में? असल में मेरी नहीं, असल में सोचने की कोई अपनी, असल मुझे बोलना, सोचने की अपनी जुबान होती? सोच की जुबान होती है जो आपकी मदर टंग होती है। आपकी कौन सी मदर टंग है? मेरा असल में थोड़ा मिक्स्ड ताल्लुक है। मैं मामा की तरफ से खान पठान और पापा की तरफ से आफरीदी पठान, तो बेसिकली हमारा मदर टंग मोस्टली उर्दू है। आप उर्दू में सोचती है पर अंग्रेजी में लिखती है? मैं मान लो वो तो दोनों ही चीजें नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं है। कैसे हो सकता है ऐसा? क्यों नहीं हो सकता? आप तो बहुत सी चीजें बहुत लैंग्वेजेस में, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लिख ही नहीं सकते किसी और लैंग्वेज नहीं लिख सकते। मुझे जिन दिनों मैंने जब पढ़ाई मुताला वगैरह स्टार्ट किया ना, तो उस वक्त ये हुआ कि मैंने नोटिस किया कि उर्दू पोएट्री बहुत रिच है और इंग्लिश लिटरेचर नॉवल बहुत रिच है। नॉवल के इत्तेबार से बहुत, तो ये आप पढ़ती हैं अंग्रेजी लिटरेचर बहुत ज्यादा? अब जब से लिखना स्टार्ट किया थोड़ा कम कर दिया। किसी फेवरेट राइटर के बारे में बताएंगे? हाँ, मुझे राइटर्स का एक लिस्ट होता है। सबसे पहले तो जब मैंने एंड क्वाइट फ्लोज द डॉन पढ़ी थी पहली बार, मुझे उनके राइटर का नाम याद नहीं आ रहा, मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गई थी उससे। मैंने वैसी बुक कभी उठा के पढ़ी नहीं थी। द लैंग्वेज, द ल्यूसिडिटी, द फ्लुएंसी, वो। और उसके बाद अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ओल्ड मैन एंड द सी, वो मैं जितनी बार भी पढ़ू ना, मुझे उसमें से कुछ ना कुछ नया मिलता है पढ़ने को। टोनी मॉरिसन, जो नोबेल प्राइज विनर बिलावर्ड लिखी है, उनके जैसी एक लाइन भी लिख लू ना तो लगेगा कि राइटर है। आई विल फील दैट। उर्दू में शायरी पढ़ी है आपने? परवीन शाकिर। मेरी राइटिंग में लोग मुझे कहते भी है कि परवीन शाकिर की, परवीन शाकिर। लेकिन मुझे नहीं लगता ये लकब अच्छा है। अक्सर लोग बोलते हैं मतलब किसी को किसी का लकब देना, आपको लगता है आपकी ये जो पोजीशन है इसको स्पॉइल किया जाता है इस लफ्ज से? मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक मिसाल से समझाता हूँ। आपने अक्सर सुना होगा रसूल मीर को बोलते हैं जॉन किट्स ऑफ कश्मीर। जॉन किट्स का अपना मकाम था, रसूल मीर तो कश्मीर की जबान के
बहुत बड़े शायद आपको नहीं लगता ये नाइंसाफी है? हिनाना बर्जिस को हम कहें परवीन शाकिर कश्मीर की, किसी को कहे ललदर, किसी को कहे कुछ और, अब लोगों को हम रोक तो नहीं सकते अब जब अच्छा कह रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर हाँ कुछ बुरा कह रहे हो तो आपको एतराज होना चाहिए, ठीक है। नॉवल आपने लिखा है, कितनी नॉवल्स लिखी हैं? मैंने 4 लिखी हैं। ओके, तो इंशाल्लाह वो सोल्ड आउट है असल में, 3 दो उनमें से, तो इंशाल्लाह मार्च में आ जाएंगे। शॉर्ट स्टोरीज आपने लिखी हैं? नॉवल 3 लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज की एक बुक है, द फॉल्ट लाइंस विद इन। द फॉल्ट लाइंस विद इन, द फॉल्ट लाइंस विद इन नाम कैसे सूझा? ये मैं बहुत अरसे से सोच रहा हूँ मैं आपसे पूछूं लेकिन पूछ नहीं पाया, क्योंकि द फॉल्ट लाइंस विद इन जो होता है ब्रेकन ब्रोकन लाइंस, एग्जैक्टली जैसे जमीन जहाँ टूटती है ना, जमीन जहाँ जलजले आते हैं उनको फॉल्ट लाइंस बोलते हैं, तो इस तरह हम सब के अंदर एक फॉल्ट लाइन है जहाँ पर हम टूटते हैं। अगर आपने इसका कवर देखा हो ना फॉल्ट लाइंस का, दिखाओ, ये एक लाइन जा रही है क्रैक, और जहाँ पर ये ज्यादा टूटी है ना, हाँ, वहाँ पे एक पौधा भी निकल के आ रहा है। तो जैसे वो रूमी का नहीं कहा था ना कि द वुड इज वेयर द लाइट एंटर्स, सो दिस डिपिक्ट्स इट। ये एक चीज मुझे अब हैरान परेशान कर रही है जी, मैंने रूमी को पढ़ा, वहाँ भी है द लाइट एंटर्स बाय द लाइंस ब्रोकन, आपने अगर रोम गयम्बा नस्ब गुरगोहबान कश्मीरी का, या इसी हवाले से अगर रोम की बात करें ना, रोम जो क्रैक्स है, द क्रैक, ये द फॉल्ट लाइन जो आप बोलते हैं, ये एक ही फलसफा दर्शाता है कि अगर आप ब्रोकन नहीं है तो आपके अंदर विजडम या अल्लाह की मारिफत नहीं आ सकती। ये एक ही कॉन्सेप्ट, रूमी किसी इलाके में रहता था, आप यहाँ रहती है, कोई और कहीं और रहता था, लेकिन फलसफा एक जैसा कैसे, कौन सी चीज है विच यूनाइट्स? अल्लाह नहीं, मैं द पाथ टू, क्या मैं ये समझ इन सर्च ऑफ गॉड, एक्चुअली हर कोई एक ही इसमें है, तलाश में है, तौसीफ। हम इसको इश्क मजाजी से लेके लेते हैं लेकिन एंड में आखिरी मंजिल यही है, इश्क इलाही। मैं समझता हूँ, क्या आप इससे इत्तेफाक करेंगे शायद, मैं समझता हूँ कि पेन इज सिमिलर। हाँ, तो मैंने कहा अंग्रेज़स्ती चो सुई पेन, ग्रेड करते हैं अंग्रेज़स्ती चो सुई पेन, मसला है तूर लज इलज कश्मीर पढ़ते, अंग्रेज पढ़ते, उर्दू पढ़ते, फारसी पढ़ते लज तूर, ऐसा लफ्ज बना अलग अलग, हम बोल सकते हैं अलग अलग लफ्ज बोलते हैं। आपको लगता है जो आप फॉल्ट लाइंस की बात कर रहे थे ना अभी, इस हवाले से यही मैं बोलना चाहता हूँ, क्या इसका मतलब मैं यही समझ, क्या मतलब इसमें अपने द फॉल्ट लाइंस विद इन, अंदर अंदर का जो बिखरापन है, हर शख्स इसको समझने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बस ये बुक उसी से रिलेटेड है कि हाउ डू यू ओवरकम योर फॉल्ट लाइन, हर तरह का किसी की एक प्रॉब्लम है, किसी का दूसरा, चाहे हर शख्स के नेचर को बहुत बहुत तर्जमान कर सकता है। हाँ, मतलब रिप्रेजेंट करता है। ये 3 साल लगे थे मुझे बुक लिखने में, तो जहाँ तक हो सका आई ट्राइड टू। दमाजूर मेरी फेवरेट नॉवल है, इसके हवाले से कुछ बातें हो जाए। महजूर का ओरिजिन हुआ, मैं मिडिल ईस्ट में काम करती थी उन दिनों, मैं फिजिशियन थी वहाँ पे। ओके, तो वहाँ पर इसकी तख्लीक हुई, 2 वॉरिंग क्लैंस थे, तो समहाउ इट्स लाइक अ रोमियो जूलियट स्टोरी बट विद अ डिफरेंट मैसेज। आपने इसमें दिखाया, मैंने पढ़ी है, आपने इसमें दिखाया इस पार्ट में कि ये एक नाकाम मोहब्बत की कहानी है। मोहब्बत कामयाब नाकाम होके ही होती है, मोहब्बत कामयाब हो जाए। आप कहते हैं कि इसको जावेदानी नाकामी से मिलती है, इसमें साबित किया है आपने शायद। तो कामयाब मोहब्बत को कौन याद रखता है? हाँ, कामयाब मोहब्बत मतलब शादी हो गई और बस, फिर कौन बात करता है? दुनिया भर के किस्से जितने भी है सब नाकाम मोहब्बत के बारे में, लैला मजनू शीरी। इसका इंस्पिरेशन क्या हुआ? इस महजूर की इंस्पिरेशन हुई जब तख्लीक आदम हुई, तख्लीक आदम के बाद कहा गया कि इस फल को नहीं खाना, इस पेड़ के पास नहीं जाना, और आदम को जो सबसे ज्यादा तकर्रबा हाज़िहि शजरा, हाँ, तो आदम उसी पेड़ के पास गए। सब मतलब सब इतनी सारी जन्नत बिखरी है, लेकिन जाना उधर ही है कि जहाँ पे मना किया गया,
तो इसलिए इसकी टैग लाइन थी, इफ इट इज फॉरबिडन इट विल ब्लीड. आदम को जमीन पर उतार दिया गया, पूरी जन्नत छीन ली गई. तो इस जुमले में तो इस वाले लाइन में इसकी सारी स्टोरी, इफ इट इज फॉरबिडन इट विल ब्लीड. ममनू है तो इफ इट इज फॉरबिडन इट विल ब्लीड, ये तो एक गलत दुनिया है. ये पूरी अलग दुनिया है ना, लेकिन यही दुनिया आपकी असलियत है. क्योंकि द थिंग इज, आप हमेशा, हम हर कोई इंसान वो एक बार तो करेगा ही जिंदगी में जो उसको मना किया गया होगा. ये नफस की सारी जंग ही तो उसी पे है. अच्छा, नफस छु मद हो साकल कर कर सटी, ये तो कलाम को मतलब है. एग्जैक्टली, ये तो सारी जंग ही उसी चीज की है ना, आदम का निकल नफसन कोर्स एटीटी. हां, नफसी कोर्स पश्चिम पश्चिम नफस छु मद हो साकल सटी. ये रोड, ये कुर को मतलब बस ये वही है. ये सेल्फ रियलाइजेशन में लो. हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन, बट देन इट इज अ लव स्टोरी. और कुछ आपको कोई सब्जेक्ट लव स्टोरी के बगैर सूझा नहीं इस फलसफे को दुनिया के सामने लाने के लिए? बहुत सी चीजें हो सकती थी, बहुत से कॉन्टेक्स्ट हो सकते. मुझे इसलिए नहीं सूझता क्योंकि रब ने कायनात की तखलीक मोहब्बत के लिए की है. हम कहते हैं अपने महबूब के लिए उन्होंने पूरी कायनात की तखलीक की, तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है. थर्ड डॉटर के हवाले से कुछ बातें. थर्ड डॉटर इज अ बुक अबाउट अ गर्ल चाइल्ड जिसको रिकॉग्निशन नहीं मिलती. रिकॉग्निशन क्या, उसको एक्सेप्टेंस ही नहीं मिलती अपनी फैमिली. सो इट इज अबाउट दैट. अपनी आखिर पे एक नज़्म सुना. एक फरसूदा रिवायत के अकेला है तू. एक फरसूदा रिवायत के अकेला है तू, सिर्फ एक वहम की कोई भी तेरे साथ नहीं. इतनी जुर्रत भी न दे उनको कि मिसमार करे, तेरी तामीर में लोगों का कोई हाथ नहीं. अल्लाह सलामत रखे.